वेलकम टू जे केमिस्ट्री और राधर आई शुड से वेलकम टू जे केमिस्ट्री रैब तो आज फाइनली शुभारंभ करते हैं सीरीज का और मैं ट्राई करूंगी कि हम क्लास इलेवन ट्वेल्व से लेके बी एस सी एम एस सी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम कवर कर पाए हम सारे कवर कर लेंगे तो अभी जो ये वाली फर्स्ट वीडियो है इसमें आपको मुझे देख के ही लग गया होगा कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट तो नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने कोई ना तो लैब कोट पहने ना कोई ग्लव्स पहने और बाकी मैंने सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान नहीं रखा है तो यहाँ पर हम कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने वाले हैं क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल होता है उससे पहले थ्योरी क्लास भी होती है तो ये वाली रहेगी आपकी थ्योरी क्लास ठीक है इसमें सिर्फ हम एक फाउंडेशन सेट करनी है कि हाँ हम यहाँ से स्टार्ट करके वहां तक कहीं जाने वाले हैं तो अगर मैं बात करूं हम बात करेंगे क्लास इलेवन ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स की क्योंकि देखो सोच के देखो जब आप इलेवन ट्वेल्थ क्लास में थे उस टाइम पे क्या होता था सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट कौन सा क्या होता था टाइट्रेशन हम सबसे पहले करते थे और टाइट्रेशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हम क्लास इलेवन ट्वेल्थ में भी करते हैं जो हम बी में भी करते हैं एमएससी में भी करते हैं इनफैक्ट अगर हम कहीं जॉब भी लग जाते हैं ना हमारी किसी लैब में अगर हम पी करते हैं या फिर अगर कहीं हम किसी पी एस में ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी केमिस्ट्री वालों को लैब से मिलनी होती है कुछ काम रहता है वहाँ पर तो वहाँ पर भी टाइट्रेशन यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं बट हमें कभी कभी लगता है बी में कि हम ना ट्वेल्थ में भी यही करके आए हैं अब बी में भी यही करो और एमएससी में भी टाइट्रेशन ही करवा रहे तो है सब बार-बार टाइट्रेशन नहीं करते रहते हैं है ना तो टाइट्रेशन में भी अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें सीखने वाली तो मैं ये ये वाली वीडियो ये सोच के बना रही हूँ कि अगर कोई क्लास 11 12 का स्टूडेंट भी इसको देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में चीजें वर्क कैसे करती हैं क्योंकि अगर मैं याद करूं अपनी क्लास 11 12 तो मुझे सिर्फ इतना कुछ याद आ रहा है आई नो मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा उस टाइम पर उस टाइम पर स्टूडेंट्स को इतना समझ नहीं आता मुझे तो ऐसा लगता था सिर्फ हम इतना सोचते थे कि हाँ मैम ने टाइट्रेशन कुछ बताया था प्रोसीजर ऐसे आपको वेइंग करनी होती है इसका वेट ले लेना ले उसको माइनस कर देना यहाँ से इसमें डाल के कुछ सोल्यूशन उसको ना हिलाते रहना तब तक वो पिंक कलर ना हो जाए उसके बाद रीडिंग लिख लेना और दिखा देना चेक करवा के मार्क्स लेके बस निकल लो ऐसे होता था क्लास इलेवन ट्थ में अब ये भी नहीं पता वेइंग क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता कि टाइट्रेशन कर ही क्यों रहे हैं फॉर्मूला जो लगा रहे हैं एम वन वी वन इज इकल टू एम टू वी टू वो लगा क्यों रहे हैं तो कुछ पता नहीं होता था वो है कि आगे जाके चीजें क्लियर होती हैं तो मैं यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करी बिल्कुल फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक वाले पोर्शन से ताकि आपको समझ में आए कि जो हम बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बी एस सी एमएससी में जिसको हम आगे भी लैब्स में भी यूज करते हैं तो उनका मतलब ऐसे कर क्यों रहे हैं उनको उनका रीजन क्या होता है मेन ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट सिखा नहीं रही हूँ सिर्फ एक रिविजन हम करवाएंगे तो पहले हम रिविजन एक करेंगे उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी आपको मुझे उसका आंसर देना है ठीक है अगर आपको वो आता है दैट मीन्स आप समझ जाओगे कि हम टाइट्रेशन कर क्यों रहे हैं ठीक है ठीके? तो मेरा मेन अभी आप मोटिव है कि मैं आपको ये समझाऊँ कि टाइट्रेशन का रोल क्या है उसको करना इंपॉर्टेंट क्यों है तो सिर्फ आपके रिविजन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मॉल कॉन्सेप्ट और ये बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है अगर आप इस टाइम पे एस्पिरेंट्स हो सी एस आई आर नेट गेट या फिर आई आई टी जैम के या फिर जेई के लिए कर रही हो वीडियो देख रहे हो तो एक चीज तो पक्की है जो मॉल कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चंस ना जेई से लेके नेट एग्जाम तक भी आते हैं आपने खुद देखा होगा नेट में गेट में जैम में एक आधा क्वेश्चन मिल ही क्या है वन में हम बोलते हैं कि सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोलिक्यूल ये सब हमने क्लास इलेवंथ में सीख लिया था मॉलिक्यूल्स आयंस या फिर और क्या बोल सकते हैं फार्मूला यूनिट्स ये सब होते हैं है ना ये सब हमारी बुक्स में लिखा होता है तो यहां पर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आए समझ में आ रहे फार्मूला यूनिट क्या है ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स में हम वर्ड यूज करते हैं फार्मूला यूनिट का ठीक है तो एक तो अपना ये है मोल कांसेप्ट

और और क्या बोल सकते हैं फॉर्मूला मास ये सब हम लिख सकते हैं है ना इस तरह से हमने लिखा है यहाँ पर कि इस तरह से कुछ होता है तो अब एक चीज़ देखो आपने ना बहुत बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पर हम ये बोल देते हैं कि आपको देखा होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एन एस सी एल फार्मूला यूनिट्स विल बी प्रेजेंट इन लेट्स से ट्वेंटी सेवन ग्राम्स है ना अगर जैसे मान लो मैं आपको बोला कि एन एस सी एल है उसका ट्वेंटी सेवन ग्राम्स आपके पास है इसमें आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स होंगी नहीं समझ में आया छोड़ो हटा देते हैं इसको यहां से ऐसे मान लो कि हमें ये चीज तो पता में बात करूं एनएससीएल की अगर हम बात करें एनएससीएल की ठीक है इसमें क्या होगा हम ये बोलते हैं कि वन मोल ऑफ एनएससीएल वन मोल ऑफ एनएससीएल इज इक्वल टू फिफ्टी ग्राम है ना अभी कहां से आया ये है इसका इसे टोटल करो

फॉर्मूला यूनिट सही है ये हमने सॉलिड स्टेट में भी देखा था ओके okay. अब ना एक क्वेश्चन है ये वाला पोर्शन हम पढ़ते भी हैं ऐसे क्वेश्चन को मिलते हैं अब एक चीज देखो अगर मैं आपको ये बोलू अभी आप उठो यहाँ से अपने किचन में जाओ किचन में जाके ना अपना आपके सबके किचन में क्या होता है नमक तो होता है ना एक काम करो एक चम्मच लो जाके ना एक स्पून लेकर आओ और उसको फिल करो पूरा उसमें ना सॉल्ट आपको लेकर आना है एक चम्मच भर के नमक लेके आ जाओ ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलूँ कि मेरे पास पे स्पून में ना मैंने ये सॉल्ट लिया हुआ है ठीक है अब आपसे कोई ये पूछे कि जो हमारे पास ये सॉल्ट है नमक ठीक है एनएसीएल ही है ओके okay. तो इसमें कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हैं? कैसे बताओगे क्या आप बता सकते कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स यानी कितने नंबर ऑफ एनएसीएल यूनिट्स यहां पर हैं इसके अंदर तो अगर आपसे कोई पूछता है मैं आपको मैं अभी पूछ रही हूं कि इस वाली नमक में ना ये बता दो मुझे एनएसएल कि यूनिट्स कितनी प्रेजेंट है कैसे बताओगे तो आप सोच रहे हो कि हम कैसे कर सकते हैं ये तो नहीं काउंट करना शुरू करेंगे तो दिखेगा अभी नहीं है ना कैसे करेंगे पता कैसे चलेगा तो इसको करने के लिए अगर मैं आपको क्वेश्चन ना भी बोर्ड पे लिख के उसको सॉल्व कर दोगे लेकिन हो सकता है है ना इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं देखो बहुत सिंपल सी बात है इसको जाके वे करके आते हैं कि कितना ग्राम है इसका वेट हमें देखना है पहले तो हम इसका चेक करके आएंगे इसका वेट कितना है अब क्योंकि बात आ रही है वेट की और मैंने यहाँ पे मास यूज करा है तो आपके लिए क्वेश्चन ये है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है ठीक है डिफरेंस बिटवीन मास इन दोनों टर्म्स में में क्या है वो मुझे आप बताओगे और पहले हम इसको वे करके आएंगे इसके बाद निकालेंगे कि इस इस में, कि, इस वाले वाले में में मतलब इतने कितने नंबर ऑफ एन यूनिट्स प्रेजेंट है तो हमारा ना मेन मोटिव ये है कि जो मैंने आपको स्पून में दिखाया था सॉल्ट उसमें कितने फॉर्मुला यूनिट्स प्रेजेंट है या फिर अगर मान लो पे नमक की जगह पे कुछ और होता सपोज क्या होता कि ऑक्सैलिक एसिड वहां पर है तो हमें ये निकालना है कि उस पर्टिकुलर स्पून में जितना एसिड है उसमें कितने नंबर ऑफ मोलिक एसिड के तो वो हम कैसे निकालेंगे सबके लिए हम सेम ही करने वाले हैं मुझे उसका वेट चाहिए कितना है उसके बाद मैं फॉर्मूला लगा के निकाल दूंगी है ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमने सबसे पहले ये पेपर रखा है यहाँ पर मैं इस पेपर के ऊपर रख के सोल्ट को वे करने वाली हूँ ठीक है तो यहाँ से हम पहले पेपर का वेट हमें दिख रहा है जीरो पॉइंट सिक्स फाइव ग्राम मैं इस वाली वैल्यू को नोट कर लेती हूँ ये जगह पे और अभी नोट करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपना सॉल्ट या फिर अगर हमें ओजैलिक एसिड का भी निकालना है तो भी हम कर लेंगे इसमें हमने ऐड करा ठीक है ऐड करने के बाद हमें दिख रहा है वेट कितना हो गया 3.47 पॉइंट ग्राम्स तो मैं इस वाली वैल्यू को कोई जगह पे नोट कर लेती हूँ तो उन दोनों वैल्यूज को ना मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेट ऑफ पेपर एंड वेट ऑफ पेपर प्लस सॉल्ट ठीक है अब क्या निकालना चाहते हैं हम निकालना चाहते हैं वेट ऑफ सॉल्ट तो वो हम निकाल लेंगे और ऐसे निकालते टाइम ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है वेन आई वॉज इन क्लास इलेवेंथ तो हमारी जो लैब होती थी उसमें ना पेपर की जेब हम क्या यूज करते थे वेइंग बोटल्स को यूज़ करते थे या जाएगा अपना इतना तो हमारे पास सॉल्ट का वेट आ गया 2.82 पॉइंट एट ग्राम्स ठीक है तो हाँ मैं बोल रही थी कि हम वेइंग बोटल्स को यूज़ करते थे अब क्या था कि पता है मैम क्या बोलती थी जो हमारी मैम थी क्लास ट्वेल्थ में

आगे जाके में पहुंचने के बाद में देना में है, मतलब है तो वही है ना कि हमें हम सिर्फ करते थे एक्सपेरिमेंट की जैसे प्रोसीजर में लिखा हुआ है वो वो करते जाओ आंखें बंद करके कलर आ गया नोट करो निकल लो तो मेन पॉइंट ये होता है कि हमें सॉल्ट का वेट चाहिए होता है अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे कैसे बातें बता रही हूं

तो हमारा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास स्पून में वो सॉल्ट था उसमें कितनी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं तो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास 58.5 ग्राम से NaCl ग्राम्स है एन का ऑफ एन ए सी एल हैज सिक्स पॉइंट जीरो टू पावर ट्वेंटी फार्मूला यूनिट्स है ना मतलब इतने क्या हैं इतने एन हमारे पास हैं हमारे पास कितने अभी टू तो पहले मैं वन के लिए निकाल लेती हूँ वन ग्राम में कितने होंगे न ग्राम है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन डिस्टू पावर ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई फिफ्टी एट पॉइंट फाइव फिफ्टी एट पॉइंट फाइव हमें किस लिए निकालना है हमें निकालना है टू पॉइंट एट टू के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सो इन टू टू पॉइंट एट टू इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है चाहो तो कर भी सकते हो मैं कैलकुलेटर से कर देती हूँ उसको सॉल्व ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टू पॉइंट एट टू डिवाइड by 58.5. Okay, ओके तो ये आ गया है पॉइंट टू नाइन जीरो इतना इन टू टेन इज टू आवर ट्वेंटी थ्री ठीक है या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ टू पॉइंट नाइन इं टू टेन इज टू पावर कितना ट्वेंटी टू इतनी फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है किसमें अपना जो मार्सोल्ड था उसके अंदर ठीक है ये हमने सॉल्व कर लिया हमारा काम खत्म तो ऐसे करके ये तो हमने सॉल्ट लिया पहले उसको वे करके निकाल दिया ये वाला काम हम लैब में कर सकते हैं और आपने देखा होगा आपके क्वेश्चन में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये वाला काम तो हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट गिवन है वो एलिक एसिड मान लो यानी ओवेश मान लो कुछ भी मान लो हमारे पास जो उसमें कितने यूनिट्स कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हम निकाल देंगे ठीक है अब ना प्रॉब्लम जब आएगी अब देखो मेरे पास क्या है मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है ठीक है इसमें मैंने अपना सोल्ट या ये मान लो कोई भी यहां पे मान लो गली एसिड भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है इसको मैंने डाला इसके अंदर और अब कर दिया डिजोल्व ठीक है अब डिजोल्व करने के बाद अगर मैं आपको पूरा डिजोल्व करने के बाद ये बोलूँ कि अब ये पूरा डिजोल्व हो गया ठीक है अब मुझे बता दो पूरा डिजोल्व करने के बाद अब आप मुझे बता दो कि इसमें कितना सॉल्ट प्रेजेंट है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस अब बता दो इसमें कितने फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट हैं कैसे निकालेंगे या कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं निकाल सकते हो अब फंस गए हम है ना क्योंकि देखो मैंने आपको ये तो बोल दिया गया मान लो कि ऑक्सैलिक एसिड था मेरे पास ठीक है मैंने इसको इसके डाल के डिजोल्व भी कर दिया अब मैं आपसे पूछू उसमें ऑक्सैलिक एसिड के कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो अब तो हम नहीं बता पाएंगे है ना तो इस वाली सिचुएशन में अगर आपको टाइट्रेशन आती है आप बोलोगे कि अगर हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स सारे ग्लास हमारे पास अगर अवेलेबल है सारे एपेराटिस अवेलेबल हैं हमारे पास केमिकल्स भी अगर हैं तो फिर तो हम टाइट्रेशन करके आपको आंसर दे सकते हैं कि किसमें कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है ऑक्सैलिक एसिड के है ना तो एक तो इस वाले काम के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि टाइट्रेशन में करना ही पड़ेगा ठीक है कैसे करेंगे वो आपको मैं सिखाती हूँ अभी टाइट्रेशन का बेसिक पोर्शन डिस्कस करते हैं ओके okay. तो अभी ना हमारा मेन काम क्या है टाइट्रेशन का तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा लास्ट में ना आपको एक दो क्लासेस के बाद या फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल के बाद आप आराम से निकाल के बता दोगे कि इस वाले मतलब जैसे मैंने डिजोल्व कर लिया उसमें कितने मोलिक हो सकते हैं एसिड के नेक्स्ट वाली क्लास जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वाली उसमें हम ये भी सीखेंगे सबसे पहले तो कि आपके पास जो गिवन है पहले आप सॉल्यूशन बनाओगे कैसे मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया आप पहले कैसे सॉल्यूशन बनाओगे कैसे उसको टाइट्रेट करोगे कब इस वाले सॉल्यूशन को यूज करोगे ये सब हम बनाना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे वो नेक्स्ट में देखेंगे अभी हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन का ओके okay. अभी हम डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन को तो टाइट्रेशन ना हम सब ने एक बार तो पक्का करी होगी चाहे सिंसियरली करी है नहीं करी अभी कॉलेज में होती है स्कूल में होती है नहीं होती है, वो बात अलग है बट हमने एटलीस्ट अपैरेटस पक्का देखा होगा किस तरह का कुछ दिखता है है ना तो हमें ये पता है कि हम जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक स्टैंड होता है यहां पर ऐसे ठीक है हमारे पास ये स्टैंड होते हैं इसमें हम ना ब्यूरेट लगा देते हैं ऐसे करके ऐसे नहीं ब्यूरेट लगा दी यहां पर यहां पे उसका नोब होता है ऐसे मान लो कंट्रोल करने के लिए ठीक है और नीचे हम क्या करते हैं नीचे हम एक कॉनिकल फ्लास्क रख देते हैं हमने ऐसे करते हुए देखा है मेन पॉइंट क्या है देखो टाइट्रेशन ना कई तरह की होती है ठीक है बहुत सारी टाइट्रेशन होती हैं हम ना करेंगे कवर सबको वन बाय वन करके सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूमेट्री टाइट्रेशन से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूमेट्री टाइट्रेशन और इनमें स्पेसिफिकली क्या होती है इनमें हम स्पेसिफिकली बात करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशंस की और एसिड बेस टाइट्रेशंस जो होती हैं वो समझने के लिए बहुत ईजी होती हैं एज अ बिगिनर हमें बहुत अच्छे समझ में आएंगे एसिड बेस टाइट्रेशन ठीक है अभी देखो मैंने आपको बोला ऑक्सैलिक एसिड हमने काम करते हैं हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं कि हमारे पास ना ऑक्सैलिक एसिड है इसके बारे में हमें कुछ भी निकालना है कि हमने जो सॉल्यूशन लिया था हमने वाटर जो लिया था उसमें डिजोल्व किया था हमने उजालिक एसिड को तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स मॉलिक्रेजेंट हम कैसे निकालेंगे ठीक है तो यहां पर आने से पहले थोड़ा सा और देखते हैं एक बार एक चीज देखो सबसे पहली बात यह है अगर आपको मैं ये बोलूं कि मैंने लिखा यहां पर एच सी एल और फिर मैंने इसमें एड करवाया लेट्स से एन यू एच है ना तो रिएक्शन क्या होगी ये क्लास इलेवंथ का स्टूडेंट मुझे बता देगा कि यहाँ पर एनएस ए प्लस वाटर बनने वाला है थ का नाइन्थ का बताने का एन एस एल प्लस वाटर मुझे मिलने वाला है सोल्ड प्लस वाटर आपको मिल जाएगा ऐसे करके लिख दो ठीक तो हम यूज करते हैं आगे, reaction करवाने में कि कैसे titration कौन सा है समझने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास हम ये बोल सकते वन इक्वेलेंट ऑफ एस सी एल प्लस वन इक्वेलेंट ऑफ बेस या फिर एसिड प्लस बेस हमें क्या मिल रहा है या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ वन मोल ऑफ एच सी एल प्लस वन मोल ऑफ एन एस एन एच क्या मिल रहा है हमें एनएसोर ये मिल रहा है ठीक है अब यहाँ पर ना जब तक आपका सॉलिड वाला सॉल्ट आपके हाथ में था तब तक आप उसका वेट कर सकते थे कोई इशू नहीं है वेट में हम बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे है ना जैसे ही आपका वो गया वाटर के अंदर तो अब वो बन गया सॉल्यूशन और जैसे ही बात आएगी सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन की बात आते ही हमें कंसंट्रेशन की बात करनी पड़ेगी अब ना आप उसको वेट करके कुछ नहीं निकाल सकते हो जैसे ही बात आएगी सोल्यूशन की हमें बात करनी पड़ेगी कंसन की ठीक है और कंसेंट्रेशन को स्टडी ना हम कई तरह से कर सकते हैं बहुत सारी टर्म्स होती हैं लेकिन जो हम जनरली यूज करेंगे टाइट्रेशन में वो होती हैं दो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ठीक है यहां पे हम हाँ वापस आएंगे अभी एक बार यहां पर आप देखते हैं इसको मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ये दो चीजें होती हैं इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यह पता होना चाहिए कि कब हम मोलैरिटी यूज करते हैं कब हम नॉर्मैलिटी यूज करते हैं ठीक है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए तो यहां हम लिखते हैं मोलैरिटी क्या है? होता है मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स ये हमारे पास फॉर्मूला होता है का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो निकालोगे ठीक है, क्या होता है कैसे निकाल और ऐसे आपको सिचुएशन भी दे सकता है सॉल्ट उसकी मोलैरिटी निकाल के बता दो तो फिर वैसे ना यही सब करना पड़ता है पे। अगर हम बात करें नॉर्मैलिटी क्या होता है नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्वल ऑफ सल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स और ये वाले दोनों फॉर्मूले लेना बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ठीक है अब ना नंबर ऑफ मोस्ट तो ठीक है आपके सिर्फ रिविजन के लिए क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोस्ट क्या होते हैं गिवन मास बास हम बोलते हैं है ना अब यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट अभी यह क्या चीज है नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करेंगे हम इसको हम फाइंड करेंगे यहां लिखते हैं हम गिवन मास या फिर गिवन वेट इन दोनों का डिफरेंस आप मुझे कॉमेंट बताएंगे मास और वेट का गिवन वेट पाए में इक्वेलेंट वेट ऐसे करके हमारे पास क्या निकलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट ठीक है तो अभी क्वेश्चन ये कि इक्वेलेंट क्या होती है इक्वेलेंट वेट क्या होता है ये हम कैसे निकालेंगे क्योंकि देखो आपको जो भी सॉल्ट गिवन है उसको हम वे करके वेइंग मशीन पे वे करके उसका वेट तो बता देंगे है ना अब ये कैसे निकालेंगे वेट क्या होता है कैसे निकालेंगे ये ये तो देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम बात करेंगे इक्वलेंट वेट की तो क्या होता है वो जो भी उसका मोलर मास है जो उसका मोलर वेट है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे एन फैक्टर से उसको हम डिवाइड करेंगे फैक्टर से ठीक है तो अभी आपको कि एन फैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते बताया था, या फिर से देख लेते हैं एन फैक्टर में ना तीन चीजें आती हैं हमारे पास, या तो कोई एसिड होगा या कोई बेस होगा या कोई सॉल्ट होगा है ना यही होगा अगर एसिड है तो एसिड में एन फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच नंबर ऑफ एच प्लस यानी कि आपके पास जो भी एसिड है उसमें अगर मैं बेस ऐड करवा दूं तो उस एसिड के कितने H+ plus को बेस का मतलब बेसिकली कटाणी रिप्लेस कर सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HCl की तो क्या होगा यहां से H+ प्लस रिमूव हो जाएगा क्या बचेगा Cl- minus. तो एक H+ plus निकला ना यहाँ से तो एल्टर कितना हो गया वन हो गया अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड की क्या होता है फॉर्मूला ये होता है ऑक्सैलिक एसिड ठीक है तो इस वाले केस में वी हैव हाँ टू रिप्लेसेबल एच प्लस ये वाले इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे सपोज करो एनएव डाल दिया आपने क्या होगा एच प्लस को ले जाएगा ओ माइनस क्या बचेगा यहाँ पे एनए प्लस तो ये रिप्लेस हो गया बन जाएगा यहां पे ओ माइनस एन ए प्लस डेट मीन एच प्लस को एन ए प्लस ने रिप्लेस कर दिया ऐसे करके हम बोलते हैं ऐसे ही बेस वाले केस में क्या होता है अगर आपको बेस के केस में निकालना है एन फैक्टर की वैल्यू क्या निकालेंगे हम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओएच माइनस जैसे यहां पे कितने हैं एक ही है सेम कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओविच माइनस अब बात आती है सोल्ट की फॉर एग्जाम्पल एन एस सी लिख दिया ये हमने कुछ लिखा इनमें हम कैसे निकालेंगे एन फैक्टर है ना इसके लिए क्या होता है सोल्ट वाले केस में एन फैक्टर विल बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज और

थ्री एफ ई टू प्लस प्लस टू एसओ फोर टू थ्री माइनस क्या एक सेकेंड एफ ई थ्री कैसे हो गया ये एफ ई टू एस ओ फोर थ्री एफ ई टू एस ओ फोर थ्री तो यह जाएगा हमारे पास टू एफ ई थ्री प्लस प्लस थ्री एस ओ फोर टू माइनस इस तरह से है तो अगर आपको इस वाले सॉल्ट के लिए निकालनी है एंड फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालोगे आपको एक काम करो डेढ़ ले लो टोटल पॉजिटिव थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स दैट मीन एंड फैक्टर की, की वैल्यू इस वाले सॉल्ट के लिए कितनी है सिक्स है ठीक है ये वाली सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यूज करेंगे आपको सॉल्यूशन बनाना सीखना है पहले सॉल्यूशन कैसे बनेगा तो वो तभी बनेगा और आप ये सारी वैल्यूज निकाल पाओ पहले ठीक है तो आपका क्या निकल गया एंड फैक्टर निकल गया बस ऐसे करके हमने एंड फैक्टर निकालना सीख लिया ठीक है तो एन फैक्टर तो हो गया इसके बाद हमें समझ में आ गया कि नॉर्मैलिटी क्या है और मोलैरिटी क्या है ठीक है अब हमें एक चीज और समझनी है देखो अगर मैं लिख रही हूं एच और एन ये ना बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड चीज स्टार्ट होंगी ना उसके लिए बेसिक वाली चीजें यही होती हैं ये पता होगा तब ये थोड़ा आगे बढ़ पाओगे ठीक है अब यहां पर क्या होगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास ये वन मोल है और ये भी क्या है वन मोल है ठीक है तो इसमें एच प्लस कितने होंगे

सेम नंबर ऑफ ओ एच माइनस होंगे ठीक है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के ये आता है अगर मैं इसको भी वन मोल ले लूँ और इसको भी अगर मैं वन मोल ही ले लूँ तो क्या होगा फिर यहाँ से हमारे पास सेम नंबर ऑफ एच प्लस यहाँ से हमारे पास सेम नंबर ऑफ ओ एच माइनस दोनों को क्या करेंगे ऐड करवाएंगे वाटर बन जाएगा इतना में वाटर मिलेगा कितने मिलेंगे वाटर मोल सेम सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टेन एस पावर ट्वेंटी थ्री डैट मीन्स ये आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेंगे ठीक है अब देखो ये चीज देखना आपको समझ में आएगा इक्वल वेट का डिफरेंस अब ना सपोज करो मेरे पास क्या है ऑक्सैलिक एसिड है जिसको मैंने ऐसे लिखा जिसको मैंने इस तरह से लिखा है ठीक है और इसमें मैंने ऐड करवाया एन अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास ये भी वन मोल है और ये भी क्या है वन मोल है मैं मोल बोल रही हूं ठीक है मोल का मीनिंग क्या हो जाएगा कि इसमें हमारे पास कितने होंगे अब ध्यान से देखना ठीक है वन मोल में अपने पास एच प्लस होंगे कैसे दिखाएंगे हम इसको? हम इसको ऐसे दिखा देंगे। वैसे तो ये वीक एसिड है हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको साथ में अपने टू एच प्लस ठीक है तो अब एक चीज ध्यान से समझना इक्विलिब्रियम यहां पर है, वो तो नहीं होगी तो अगर हम बात करें सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड की तो अगर आप वाटर लो उसमें ऐड कर दो ऑक्सैलिक एसिड को ठीक है तो वहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि अब इस सॉल्यूशन में कितने हमारे पास अब आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे पास कितने ये 6.022 10 रे टू पावर 23 ये वाले आयन से और यहाँ पे कितने होंगे इसका डबल यानी कि 2 6.022 10 रे टू पावर 23 ये कब होता

तो हमारे पास जितने H प्लस होंगे उतने सेम नंबर क्या चाहिए OH एच माइनस भी चाहिए होंगे अब ना एक चीज देखो यहां पर मान लो इतने ज्यादा ना H प्लस नहीं है ये कुछ डिसोसिएट होगा अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मान लेते हैं आप कितने हंड्रेड हमारे पास क्या एच प्लस है हमारे पास हंड्रेड क्या एच प्लस है और ये कितने पास सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन ट्वेंटी ओ एच माइनस ऐसा क्यों क्योंकि एन यूएच एक स्ट्रॉन्ग बेस है कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ओ एच माइनस जितने सेम नंबर मिलेंगे हमें है ना? अब क्या होगा जो ये हंड्रेड हमारे पास एच प्लस थे उसको हंड्रेड यहां से आएंगे न्यूट्रलाइज OH कर लेंगे हंड्रेड एच प्लस को हंड्रेड ओ एच माइनस न्यूट्रलाइज कर लेंगे ठीक है अब क्या होगा ये है इक्विलिब्रियम और हमें ये पता है इक्विलिब्रियम में क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो ये इंटरव्यूज में पूछते हैं या फिर आपके वाइवा में पूछ लेंगे ठीक है तो अब क्या होगा अगर मान लो हंड्रेड जो थे वो हो गए न्यूट्रलाइज ठीक है अब क्या होगा हमें यह पता है कि इक्विलिब्रियम जब भी हमारे पास गिवन है सो अकॉर्डिंग टू लेटली प्रिंसिपल जहां पे भी कंसेंट्रेशन कम होनी स्टार्ट होगी इक्विलिब्रियम उस साइड भी शिफ्ट करेगा अब क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे कंसनट्रेशन कम हो रही है एच प्लस की तो इक्विलिब्रियम जो है वो इस तरफ फॉरवर्ड एशन में आएगा शिफ्ट करेगा ठीक है अब कुछ और एच प्लस बनेंगे आपने फिर से ऐड करवा दिया ओ ऊपर से ओ माइनस ऊपर से है ना वो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया ऐसे कर करके हमारे पास जितने भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे एच प्लस वो सारे इस तरफ आएंगे और वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ठीक है तो जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा लास्ट में बहुत आगे जाके जब ये कम्पलीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं डैट मीन्स ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा हमारे पास इतने नंबर ऑफ H प्लस अवेलेबल होंगे ठीक बात है अब एक चीज देखो अगर हम सिर्फ मोल की टर्म्स में बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास इतने ओ एच माइनस है एच कितने हो जाएंगे इसका डबल इसका डबल अमाउंट है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप सेम को ऐड करवा भी दोगे तो भी आपको पी एच सेवन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास जो एसिड है उसको हमारा अगर जो बेस है वो न्यूट्रलाइज़ करवा देगा तो उस टाइम पेवन आ जाएगा नहीं होगा। फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एच प्लस बच ही जाएगा क्योंकि हमारे पास सेम नहीं है जितने एच OH प्लस नहीं उससे ज्यादा एच प्लस है ना तो इस वाले केस में क्या होगा अगर हम बात करें इन दोनों की तो अगर आप इसका मान लो ये वन मोलर है ठीक है वन मोलर है ये और ये भी मान लो वन मोलर है इसका भी आपने टेन एम एल ले लिया और इसका आपने टेन एम एल ले लिया इस केस में टेन एम एल आपस में अगर ये दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे ठीक है लेकिन इस वाले केस में क्या होगा यहां पे ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा इसकी वजह से हम क्या करते हैं हम ना मोलर की हम मोल की बात नहीं करते हैं, हम बात कैसे करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं इसलिए क्या करते हैं मोलर मास यूज करने के बजाय बजायन मास यूज कर लेते हैं ठीक है वहां पर क्या होगा क्योंकि देखो अगर आपका ये है सपोजैलिक एसिड कैसे करेंगे हम इसका जो भी हमारे पास देखो अगर आपको निकालने नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे सपोज करो मैं सपोजो बोलता इसका आपको 10 ग्राम लेना है ठीक है आपका क्या हो गया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इसका जो भी मोलर मास है उससे डिवाइड करोगे आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ठीक है अब मैं आपको बोल रहा आपको तो इस आपको भी एक्स को है आपने टू से डिवाइड कर दिया तो जितना उसका मोलर मास था उसका हाफ हो चुका है अब इसकी वजह से क्या होगा नंबर ऑफ एच प्लस भी हाफ हो जाएंगे यहां से ठीक है जैसे मान लो इसका मास कितना सपोज करो हंड्रेड है मैंने ये मान लिया एसिड का मास सपोज कर लिया हमने खुद से कि हंड्रेड ग्राम्स है। अब क्या कर रहे हो और हम ये बोल रहे इतना मोलर मास है तो इसमें हमारे पास इन टू इतने एच प्लस थे इतने एच प्लस, प्लस थे अब क्या कर रहे हो आपने इसके मोलर मास को डिवाइड कर दिया किससे से टू से आप इसको हंड्रेड बाई टू यानी कि टू क्या है एन फैक्टर क्या निकाल रहे हैं यहां पे नंबर ऑफ ग्राम क्या होता है गिवन मास मास बाय में कैसे निकलेगा मास मोलर मास डिवाइड बाय में एंड फैक्टर आपने उसको टू से डिवाइड कर दिया यानी कि कितना हो गया फिफ्टी हो गया तो हंड्रेड में अगर इतने हैं तो फिफ्टी में कितने होंगे इसके हाफ यानी कि डिवाइड बाई टू करो इतना ही तो आ गया तो इस वाले केस में क्या होगा ऐसे लेने की वजह से आपके पास जितना एच प्लस आएगा अमाउंट उतने आपके पास अब आप क्या कर सकते हो यहां से जितना ओ एच माइनस था उतना ही आपने एच प्लस भी ले लिया तो अब जब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को तो वहां पे पी एच सेवन हो जाएगा

टाइट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें है सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ना हम निकालना क्या चाह रहे थे कि अगर हमने एक ग्लास में क्या करा है हमारे पास वाटर था उसमें हमने कुछ सपोज करो ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करवा दिया हमें ये निकालना है कि यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है ठीक है अब कैसे पता लगाएंगे इसके लिए हमें पता करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं है ना क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को तो तो हम चेंज कर लेंगे मोलिक्यूल्स में तो हम निकालना चाहते हैं इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ठीक है ठीके? अभी यहां पर हम यूज करेंगे मोलैरिटी या फिर नॉर्मैलिटी का अगर इससे कंफ्यूजन है तो एक काम करो सिंपल मानते हैं कैसे करेंगे अगर आप कुछ भी करके पता लगा लो इसकी मोलैरिटी ठीक है आपके पास वॉल्यूम तो अवेलेबल है जितने मान लो टेमल वाटर था पहले आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल है अगर आप पता लगा लो इसकी मोलैरिटी तो ऐसे क्या निकाल सकते नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय मे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता ही है कि टेन एम एल में डाला था हमने उसके ऊपर है ना टेन में हमने को ऐड करवाया था तो आपको वॉल्यूम तो ऑलरेडी पता ही है मोलैरिटी अगर आप कहीं से निकाल लो तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं क्या नंबर ऑफ मोल्स ठीक है तो यहाँ पर समझ में आया जो हमने लिया था मान मैंने टेन एम एल वोटर लिया उसमें ऐड कर एस ऊपर से तो हमें वॉल्यूम उसकी ऑलरेडी पता है हम चाहते हैं बस इसकी ना हमें कोई मोलैरिटी बता दे हम मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स एक बार आ गए फिर हमें पता है मोल कैसे निकालने हैं क्योंकि वन मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल होते हैं ठीक बात है तुम्हारा मेन मोटिव क्या होता है टाइट्रेशन को यूज़ करके हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल के लाएंगे हमारा जो भी सोल्यूट है उसकी ठीक है अब अगर हम बात करें एसिड बेस टाइट्रिशन्स की तो हम इसमें एसिड बेस ही यूज़ करने वाले हैं ठीक है हम एसिड बेस ही यूज़ करेंगे अब ना क्या आप किसी का भी टाइट्रेशन करवा दोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप वाटर में ऐड कर दूँ एन तो फिर आप कैसे टाइट्रेशन करवाओगे कैसे पता करोगे तो हमने कुछ कंडीशन होती हैं कि हम है कैसे कब कौन से वाले केस में टाइट्रेशन को यूज कर सकते हैं सबसे पहली चीज तो ये है आपके पास कोई नॉन रिएक्शन होनी चाहिए कोई नॉन रिएक्शन होनी चाहिए जो आपको पहले पता हो कि हाँ ऐसी रिएक्शन होती है ठीक है और दूसरी बात वो जो रिएक्शन है दैट शुड गो टू कंप्लीशन रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए रिएक्शन मस्ट गो टू कंप्लीशन जैसे जब भी हम बात करेंगे एसिड की तो हमें एसिड बेस वाली टाइट्रेशन पता है क्योंकि बात यहाँ पे यह है कि जो भी हमारा सोल्यूट था अब वो जाके वाटर में पूरा मिक्स होकर सोल्यूशन बन चुका है उसमें से उसको अलग करना बहुत मुश्किल काम है इसमें क्या करेंगे हम कुछ ऐसे रिएक्शन वहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमारा जो अंदर प्रेजेंट है ना जो भी सोल्यूट प्रेजेंट है मान लो वहाँ पे कितना था एसिल है सपोज हमें ये पता है कि एसिल एसिड है अगर बाहर से मैं बेस एड करवाऊंगी तो वो ना चाहते हुए भी रिएक्ट करेगी उसके साथ बहुत आराम से रिएक्ट करेगी और अगर मुझे बेस के बारे में सब कुछ पता है तो मैं ये बता सकती हूं कि हमारे पास जो मैं मोल ऐड करूंगी ऊपर से तो वन मोल के के साथ में क्या करेगा कंबाइन करवा न्यूट्रलाइज कर, कर देगा तो हम सिर्फ इसी वाले पॉइंट को आगे यूज करके टाइट्रेशन करवाते हैं क्योंकि हमें बाहर वाली चीज की वैल्यू पता है अंदर वाले की हमें निकालनी है तो हमें ये पता है कि वन मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए वन मोल ही चाहिए होगा है ना तो हमें इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है ध्यान किस चीज का रखना है कि हमारे पास एक नॉन रिएक्शन होनी चाहिए और रिएक्शन कंप्लीशन तक जानी चाहिए जैसे मान लो अगर रिएक्शन कंप्लीट ना हो और लेट सपोज यहाँ पे कितने हंड्रेड मोलिक्यूस हैं सपोज पे मान लो हंड्रेड एच प्लस है और अगर ये रिएक्शन कंप्लीट ना हो तो क्या करेंगे हम मान लो हमने ऐड करवाया इसमें कितना लेट से टू हंड्रेड हो ऐड करवा दिया हमने लेकिन रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो रही सिर्फ जो फिफ्टी एच प्लस थे वो तो हट गए बाकी वैसे कि वैसे सोल्यूशन भी बचे हुए फिफ्टी एस परसेंट कंबाइन कर लिया इसके बाद बाकी कंबाइन नहीं करे तो ऐसे वाले केस में ट्रेट्रेशन कुछ काम ही नहीं आएगी क्योंकि वो पूरे सोल्यूशन को जो पूरा सोल्यूट था उसको कंबाइन ही नहीं करवा पाई तो मेन पॉइंट क्या है आपका रिएक्शन शुड गो टू कम्प्लीशन वो कम्प्लीट होना चाहिए हंड्रेड कंप्लीट होना चाहिए तभी आप करियर इफॉर्मेशन निकाल पाओगे ठीक है ये चीजें होती हैं और इसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसको आप रिएक्ट करवा दो अंदर वाला जो सॉल्यूट है उसके साथ ठीक है अगर आपके पास ये है तो फिर आप टाइट्रेशन करवा सकते हो ठीक है इस तरह से हम टाइट्रेशन करवा सकते हैं तो बिना हम जब भी टाइट्रेशन करेंगे दो तीन चीजें हैं जो हर टाइट्रेशन में कॉमन होंगी सबसे नीचे हम लेंगे क्या अपना कॉनिकल फ्लास्क हमने ले लिया ऊपर से हम लगाएंगे ब्यूरेट ठीक है हमने ब्यूरेट, भी लगा ब्यूरेट लगा दी यहां पर इस ऐसे हमने ब्यूरेट लगा दी ठीक है अब यहां पर अपना क्या होने वाला है अननोन सॉल्यूशन यहां पर हम लेंगे वो वाला सॉल्यूशन बेसिकली का मतलब क्या है ऐसे वाला सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता सोल्यूशन ऑफ अनोन कंसेंट्रेशन ठीक है जिसकी हमें निकालनी है तो हमेशा कॉलिंग क्लास में क्या आएगा अननोन सोल्यूशन यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन आपको निकालनी है और यहां पर हम जो भी ब्यूरेट में एड करवाएंगे वो क्या होगा वो क्या होगा सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसनट्रेशन

इन तीनों में से अगर आपको दो चीजें पता होंगी आप थर्ड निकाल लोगे है ना तो ये वाली बात है अब ने इसको देखो कि अगर मैं आपको ये बोलूं और यहां पर हमने, लिया है और, यहाँ पर हमने लिया है, और मैं आपको ये ये मान लेते हैं पॉइंट टू मोलर या फिर पॉइंट टू नॉर्मल है तो अभी ना पॉइंट टू मोलर मान के चलते हैं तो अपने पास पॉइंट टू मोलर क्या है एन है ठीक है और यहां पर हमने देखो आपको ना कंसेंट्रेशन तो नहीं पता लेकिन ये पता है कि हमने मान लो टेन एम लिया है ये हमने कितना लिया टेन एम लिया है इसके हमें कंसेंट्रेशन नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि टेन एम है और इसकी हमें कंसेंट्रेशन पता है सही है अब ना ऐसे देखो वैसे तो मैं जितना मर्जी चाहूं एस सी एल में एड करवाते हुए एन एच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो ऐड करते रहो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा है ना ये भी कलरलेस लेस सोल्यूशन है ये भी कलरलेस सोल्यूशन है तो हमें कब समझ में आएगा कि वो दोनों आपस में न्यूट्रालाइज हो चुके हैं कब पता चलेगा उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कलर चेंज हो जाए कोई कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बन जाए जिससे हमें समझ में आए कि हाँ कुछ अभी कुछ खत्म हुआ है कुछ नया बनना शुरू हुआ है कुछ ना कुछ साइन होना चाहिए इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर जिससे हमें समझ में आए कि हाँ अभी न्यूट्रलाइज हो गया है इंडिकेटर हम यूज करते हैं इंडिकेटर से क्या होता है कलर चेंज हो जाता है अब ना इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइट्रेशन का कौन से वाले टाइट्रेशन में हम कैसा इंडिकेटर यूज करेंगे ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन जो हर वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं ठीक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी देखो हमने ये बोला इंडिकेटर क्या करेगा ये कलर चेंज ये कलर चेंज करेगा और किसके अकॉर्डिंग पीएच के अकॉर्डिंग जब भी हम बात कर रहे हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की आपको पता है पीएच की तो हम बात हमेशा करेंगे ही करेंगे एसिड का पीएच बहुत कम होता है बेसर ज्यादा होता है न्यूट्रल पे सेवन हो जाएगा पीएच है ना अगर रूम टेम्परेचर ले रहे तो इंडिकेटर की बात है कलर चेंज करके दिखा देगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है अब एक चीज देखो अगर मैंने ये लिखा ये लिखा अगर हमने एन एस एल बना यहां से तो हमें वोटर बना है ठीक है तो हमें ये पता है इसका जो वन मोल होगा वो इसके वन मोल को न्यूट्रलाइज कर देगा है ना तो हमारे पास जब ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया होगा उस टाइम पे उस टाइम पे हमारा पीएच कितना हो जाएगा पीएच सेवन हो जाएगा जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क में एसिड पड़ा हुआ है आप इसका पीएच चेक करो कैसे करोगे पीएच चेक पीएच आपने डाला उसमें पीएच पेपर देखा उसे देख लिया कि हमारे पास क्या दिख रहा है हमें कि ये ना एसिडिक सोल्यूशन है ठीक है आपने देखा कि एसिडिक सोल्यूशन है अब हमने ऊपर से एड करवाना स्टार्ट करा ठीक है बेस एड होता गया होता गया एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यह कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा उस टाइम पीएच कितना होगा पीएच हो जाएगा सेवन थीके? तो पी एस सेवन क्या होता है हमारे पास जब ये दोनों कंप्लीटली सेम वॉल्यूम ने एड करवाई तो न्यूट्रलाइज हो गई इसको हम बोलते हैं थियोरिटिकल एंड पॉइंट इसको हम बोलते हैं थियोरिटिकल एंड पॉइंट और इसी को हम बोलते हैं और इक्विवेलेंस पॉइंट इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट सही है अब क्या होगा जैसे मान लो ये भी वन मोल है ये भी वन मोल है तो जैसे आप ऐसा मान लो टेन एम एल कर टेन एम एल ले लिया तो जैसे ही दोनों का टेन टेन एमएल कंबाइन होगा वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेंगे एक दूसरे को और जैसे ही कंप्लीटली न्यूट्राइज होगा पीएच एच सेवन आ जाएगा उस टाइम पे जब वो कंबाइन करेंगे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होंगे उसको हम बोलते हैं थेटिकल एंड पॉइंट या फिर इक्वल पॉइंट ठीक है अब देखो मैंने इसको एंड पॉइंट नहीं बोला मैंने बोला थियरिटिकल एंड पॉइंट ये है अब क्या होगा जो आपका ये वाला है इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम इंडिकेटर डालते हैं हैं इसमें हम एक दो ड्रॉप क्या करते इंडिकेटर क्या ऐड करते हैं और इंडिकेटर जो है न्यूट्रलाइज होने के बाद ठीक है अब यहां पे क्या है एसिडिक सॉल्यूशन है इसमें हम ऊपर से बेस एड करवा रहे हैं एक पॉइंट आएगा जब मान लो अब इतना सेम सेम अमाउंट हो गया दोनों ऑपरेशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए ठीक है न्यूट्रलाइज होने के बाद आप जैसे ही ऊपर से एक, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप डालोगे एनयच की तो उसमें हल्का सा बेसिक सोल्यूशन होगा ना वो तो जैसे ही सोल्यूशन हल्का मतलब जैसे बिल्कुल बेसिक होगा जस्ट बेसिक होगा जब उसे हमें क्या होगा इंडिकेटर कलर चेंज करेगा क्योंकि इंडिकेटर की प्रॉपर्टी यही है कि वो एसिडिक मीडियम में, में किसी और कलर का होता है बेसिक मीडियम में, में किसी और कलर का होता है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे एस और एनयच वाली केस में हम फिनोपथलिन यूज करते हैं इंडिकेटर ठीक है मीडियम में क्या है वो कलरलेस होता है बेसिक मीडियम में पिंक होता है तो जैसे ही मान लो हमारे पास एच 10 ml था फाइव एम एल गया अभी भी सोल्यूशन क्या ऐसे दिख रहेगा और ऐसे करके टेन टेन हो गया कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया अब इसका पी एस हो चुका है अब जैसे ही आप एक और ड्रॉप डालोगे कि मान लो कितना जीरो पॉइंट जीरो वन एम एल आपने ऐड करा ऊपर से तो अब ये सॉल्यूशन बेसिक हो गया है क्योंकि इसकी एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुकी है तो जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक होगा ये अपना कलर चे, चेंज करके आपको बता देगा क्या है ये कि अभी ना सॉल्यूशन बेसिक हो गया है ठीक है तो जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक होगा कलर चेंज हो गया तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं जैसे ही वो पिंक आएगा हम उस रीडिंग को नोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट इस वाले वैल्यू को हम क्या बोलते हैं एंड पॉइंट तो पता है मेन ध्यान से समझना क्वेश्चन ये आते हैं कि इक्वल पॉइंट में

तो अभी सोल्यूशन क्या है बिल्कुल न्यूट्रल है ना और न्यूट्रल में या फिर एसिडिक मीडियम में ये इंडिकेटर कलर ही है तो इसको कलर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा ऊपर से एक ड्रॉप और ऐड करनी पड़ेगी जैसे आप ड्रॉप ऐड करोगे तो पिंक कलर आएगा अब क्या हुआ है सोल्यूशन आपके उस ड्रॉप से पहले ही न्यूट्रलाइज हो चुका है ड्रॉप डालने में तो कलर चेंज हुआ है क्योंकि ना बेसिक मीडियम अभी आ गया है इसको हम बोल रहे हैं एंड पॉइंट तो मेन पॉइंट क्या है जो आप थेटिकली वैल्यू निकालोगे उससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी वैल्यू हल्की से ज्यादा आएगी अब ना ये भी नहीं कि बहुत डिफरेंस आएगा इसकी जो हमारे पास एरर होती है परसेंटेज एरर वो बहुत कम होनी चाहिए ठीक है तब इसको हम बोलते हैं कंसिडर कर लेते हैं मान लो हमारे पास नहीं टेन एम एल है और कितना का टेन पॉइंट टू एम एल तो बहुत कम एरर है इसको हम यूज़ कर लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल सेम नहीं होता इक्वलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट बिल्कुल सेम नहीं होते है इसके बाद एक्स्ट्रा हम एक ड्रॉप ऐड कर रहे हैं तो ये डिफरेंस होता है अगर वाइवा में पूछे अच्छे से एक्सप्लेन करके आना इस तरह से ठीक है कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं ओके अब ना एक चीज़ देखो सपोज करो आपने यहाँ पे था 10 ml HCl. 10 ml HCl लिया था टेन एम एल एच सी एल टेन एम एल एच सी एल लिया था ऊपर से आपने ऐड करवाया था कितना पॉइंट टू मोलर एन एच सही है अभी क्या हुआ आपने इंडिकेटर यहाँ पे रखा था ऊपर से ऐड करवाया सॉल्यूशन सपोज करो रीडिंग कितनी आई है टेन पॉइंट टू 10.2 ml जैसे ही ऊपर से एनओवच ऐड हो गया सॉल्यूशन में कलर पिंक हो गया अब ये पिंक का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंडिकेटर कैसे वर्क करता है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे ग्राफ बनाएंगे उसका ठीक है तो सॉल्यूशन इस वाले पॉइंट पे जाके पिंक हो गया हमने वैल्यू लिखी यहां पर कितना टेन पॉइंट ठीक है कि हमारे पास जो टेन पॉइंट था पॉइंट टू मोदी का उसने इस वाले सोल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया उसका एंड पॉइंट है, है ना अब एक चीज देखो हम क्या चाहते हैं हमें इसी कंसेंट्रेशन पता करनी है कि जो सोल्यूशन लिया था नीचे फ्लास्क में उसमें से कंसेंट्रेशन कितनी थी मैं क्या बोला था एक चीज देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बाई वी होता है है ना ओके okay. हमें एक चीज पता है कि जो वन मोल होता है एच का उसको वन मोल ही न्यूट्रलाइज करेगा एन का ठीक है तो अगर आप इन दोनों को यूज करके निकालो कहीं से पता लगा लो कि जो एन था उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने डले उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर आपका सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपको सिर्फ ये देखना है हमें ये पता है कि वन मोल के लिए वन मोल चाहिए तो जब ये न्यूटलाइज हुआ है तो अगर मान लो कितने फाइव मोल्स होंगे तो फाइव मोल्स ने न्यूटलाइज करा होगा उसको तो आप सिर्फ ये पता कर लो कि एन के नंबर ऑफ मोल्स कितने लगे हैं कैसे निकालोगे फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है मोलैरिटी कितनी है

टू टेन पॉइंट टू मोल्स मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स हमने जब ना एन एच के तब जाके सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हुआ दैट के भी इतने ही मोल्स अवेलेबल होंगे सोल्यूशन में तभी वो न्यूट्रलाइज हुआ दैट मीनस आपने जो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं एन यूएच के वो हम एच सी एल के लिए भी ले सकते हैं है ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ भी सेम आ गया आपके पास इतना ही है अब अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है एच के और आपके पास वॉल्यूम भी है तो हम निकाल देंगे मोलैरिटी दोनों वैल्यूज आपके पास है है ना और जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मोलिक्यूज निकालने में क्या प्रॉब्लम है एक मोल में हमारे पास एवोकेटेड नंबर ऑफ मोल्यूस होते हैं जितने भी आए उसे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके हम निकाल लेंगे तो ये मेरे पास था बेसिक ओवरव्यू था कि हम इस तरह से करके राइट्रेशन करते हैं आपने देखा होगा ये तो मैंने ऐसे करके निकाल के दिखाया आपने देखा होगा हम ना ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू जब भी डाइट्रेशन करते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसका मेन रीजन क्या होता है इसको आप ऐसे देखो एम क्या है मोलैरिटी यानी कि कंसेंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ एच सी एल इन टू वॉल्यूम ऑफ एच सी एल इज इक्वल टू इन मोलैरिटी ऑफ एन एच इन टू वॉल्यूम ऑफ एन एच मैं तो कहती हूँ बुक्स में ऐसे लिखना चाहिए ताकि हमें समझ में भी आए क्या हो रहा है एम वन एम टू से समझ ही नहीं आता तो मेन पॉइंट क्या है अभी देखो अब आपके माइंड में क्वेश्चन सो इक्वल क्यों करा क्योंकि हमें यह पता है कि एंड पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे है ना न्यूट्रलाइज होगा वो अगर न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे है ना नंबर ऑफ मोल सेम होंगे एम क्या होता है एम इज इक्वल टू एन बाई वी हमें अगर एम इन टू वी क्या, क्या होगा वो एन यानी कि किसके कह लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ hcl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ naoh ये तो होता है ना कि जब भी हमारे पास न्यूट्रलाइज होगा कंप्लीटली सॉल्यूशन तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे ठीक है या फिर अगर हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट्स की तो हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे ठीक है तो ये चीज होने वाली है एंड पॉइंट पे तुमने क्या कह है n क्या होता है m v यानी कि एम ऑफ एच सी एल इन टू वी ऑफ एच सी एल इसको हमने क्या लिखा एम ऑफ एन ओ एच इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एच इसी वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ से भी वाई वा में क्वेश्चन टीचर्स पूछते हैं बी में भी पूछ लेंगे और आपके एवं ट्वेल्थ तो पूछेंगे ही पूछेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस तो अभी वीडियो काफी लेंदी हो गई है मैं इसको स्टॉप करूंगी यहाँ पर और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमारे पास जो इंडिकेटर है कौन से वाले एक्सपेरिमेंट में हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं कब हमें मिथाइल ऑरेंज लेना है कब हमें फिनोक्न लेना है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं वो हम देखेंगे और एक, एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम नेक्स्ट टाइम ठीक है आपको मैं सोल्यूशन दूंगी हम खुद से बनाएंगे सोल्यूशन मेरा मेन मोटिव रहेगा आपको सोल्यूशन बनाना सिखाना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे लैब में तो आप यह लगोगे मेरे लिए भी बना देना आप खुद से बनाओगे अपना तो पहले हम सोल्यूशन बनाना सीखेंगे फिर हम देखेंगे इंडिकेटर का रोल कैसे होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं कौन सा वाला लेना कैसे चूज करते हैं और उसके बाद हम टाइट्रेशन करेंगे कैसे वो भी हम नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे आपका ये थ्योरी वाला पोर्शन खत्म होता है नेक्स्ट में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे आई होप कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी एटलीस्ट एक रिविजन हुई होगी है ना हो गई होगी तो फिलहाल आप इसको स्टॉप करते हैं हैप्पी लर्निंग